हाँ देखो, एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3240 इक्वल्स टू, और 324 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, कॉन्स्टेंट टर्म 324, तो 1 इंटू 324 कितना हो जाएगा, 324। इसका फैक्टर निकालिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से 8, 1 3 से 27, 9 3 1 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स 3, 1 2 3 4 टाइम्स। इसके हेल्प से हमें 45 लाना है, तो इसके हेल्प से 45 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, और आएगा इससे क्या करना होगा, और 8 3 जा, 4 3 जा 12, हैं 4 3 जा 12, टू वही टू तो जा बोल फोर रहा फोर थ्री जा 12, और 12 3 जा 36, और 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। तो आप यहाँ से कर दीजिए 36 और इंटू 9, इसके साथ एक्स लगा दो और इसके साथ भी एक्स लगा दो, माइनस 45x है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों के साथ में माइनस लगा देना होगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, कॉमन ले लेंगे x, यहाँ क्या बचेगा, कौन सा टर्म बचेगा, x माइनस 36 माइनस ले लेंगे 9 माइनस 9, तो x माइनस 36, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए सेम टर्म आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 36 हमने कॉमन लिया, अगेन एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आइदर एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, अनदर एक्स इक्वल टू 9, एक्स का दो वैल्यू आ गया 36 एंड 9, 9 हमें ये फाइंड आउट करना था, आंसर आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पॉज क्या करना, रब कर दे इसको। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड नहीं, थर्ड, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपका, अगर आप फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, क्वेश्चन कह रहा है थर्ड में, फाइंड और टू नंबर गिवन है, फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट इज कितना है, प्रोडक्ट 182। इजी है, लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर वी एक्स, देन सेकंड नंबर, सेकंड नंबर दोनों का सम 27 है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स दोनों का सम 27 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा दोनों का प्रोडक्ट एक्स इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, मल्टीप्लाई कर देंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 182 को LHS में लाएंगे, माइनस 182 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0,
माइनस वन कॉमन लिए, इसको आरएचएस में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू जीरो। अब इसे हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसके वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगेन 182 का फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 182 का फैक्टर निकालेंगे, ये टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू जीरो। 182 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 182 टू से 9 1 7 से कितना हो जाएगा 91, किसी और से नहीं जाएगा, 13 से 1 वैल्यू हो गया 2 इंटू 7 इंटू 13। इसके हेल्प से हमें लाना है 27 माइनस 27x, तो क्या करेंगे 7 टू जा 14 और इंटू 13, ये 14 एक्स लगा दीजिए 13 एक्स माइनस 27 है, दोनों के साथ में हम लोग क्या लगा दिए माइनस टर्म, और मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू जीरो, कॉमन ले लेंगे एक्स, ये बच जाएगा एक्स माइनस 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू जीरो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 182 ही आएगा, x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू जीरो। अभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो टू नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब आइदर x माइनस 14 इक्वल्स टू जीरो और x माइनस 13 इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू 14 और एक्स इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया 13, दो वैल्यू आ गया एक्स का 13 एंड 14। ये सेकेंड क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, अब नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फोर, फोर्थ में कह रहा है कि फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन है फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, बहुत इजी है, क्या करेंगे, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है तो लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, कंजिक्यूटिव है एक्स प्लस वन, जैसे एक फर्स्ट इंटीजर टू है तो सेकंड कितना, टू प्लस वन थर्ड, या फर्स्ट अगर सेवन है तो सेवन प्लस वन एट। इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी 2x हो जाएगा, 2x ये वन ही हो जाएगा इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, 365 को LHS में लाएंगे माइनस 365 इक्वल्स टू जीरो। अब ये वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में जाएगा 365 में वन जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 364 इक्वल्स टू जीरो, माइनस 364 इक्वल्स टू जीरो, टू कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस कितना बचेगा 182 इक्वल्स टू जीरो, टू को आरएचएस में भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू जीरो। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, अगेन सेम प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले 182 को क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 9 1 सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, 13 1 2 इंटू 7 इंटू 13, हमें x लाना है 14 इंटू 13, इसके साथ x लगाइए, इसके साथ भी x प्लस 1x लाना है, तो ये माइनस 14x माइनस 13x आ जाएगा आंसर। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू जीरो, कॉमन लेंगे, कौन सा टर्म कॉमन होगा, x, यहाँ बच जाएगा x प्लस 14, नेक्स्ट में माइनस 13 कॉमन लीजिए, x प्लस 14 इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 14 कॉमन लिए, अगेन x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, दोनों का प्रोडक्ट जीरो, इट मीन्स x प्लस 14 इक्वल टू जीरो और x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस 14 एंड x इक्वल टू 13, x का दो वैल्यू आ गया माइनस 14 और 13। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, तो निगेटिव वाले वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, दो वैल्यू आया है लेकिन माइनस 14 को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्वेश्चन में पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर कह रहा है तो कंसीडर हम लोग करेंगे एक्स इक्वल्स टू 13, तो अनदर इंटीजर एक्स प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 कितना हो गया 14, तो एक 13 और अनदर 14, ये हो गया कंजिक्यूटिव इंटीजर, क्लियर है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में कह रहा था ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री ए बी सी, कह रहा जितना भी बेस है ऑल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस, बेस हमने मान लिया x, ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7 एंड हाइपोटेनस इज 13, हाइपोटेनस गिवन है 13, तो इसका बेस और ऑल्टीट्यूड का वैल्यू निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, x माइनस 7 रेस टू द पावर 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही, 13 रेस टू द पावर 2, 13 इंटू 13 169 होता है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वन एक्स स्क्वायर और वन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 टू जा 14x, 7 7 जा 49 इक्वल्स टू 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 को LHS में ले आएंगे इक्वल्स टू जीरो, 169 में 49 जाएगा कितना बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x कितना बचेगा माइनस 120 यही बचेगा ना, 169 49 0 2 1
120 बचेगा इक्वल्स टू जीरो। अब इसका हमें वैल्यू निकालना है तो टू यहां से कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस 60 इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। सब में कॉमन है तो सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू जीरो। अब 60 को हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 30, 15, 3, 5 यानी 2 × 2 × 3 × 5 इसके हेल्प से हमें 7x लाना है। तो आसान है, 12 × 5 12x 5x माइनस 7x लाना है, इसको आप प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे कितना बचेगा, एक्स माइनस 12, 5 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो, अगेन एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 12 हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू 12 आ जाएगा और एक्स इक्वल्स टू माइनस 5 आ जाएगा, दो वैल्यू आ जाएगा। अब बेस एक्स है तो एक्स का वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकता, लेंथ कभी निगेटिव होता नहीं है, तो अगेन एक्स इक्वल्स टू 5 वाले टर्म को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब एक्स का वैल्यू आ गया 12। एक्स माइनस 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7 5 आ गया, यानी बेस आ गया, बेस का वैल्यू 12 और ऑल्टीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा वैल्यू। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला इस पर सेटिस्फाई कर देगा एक कंडीशन। क्लियर है ना यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है, इसका लास्ट क्वेश्चन, शांत रहना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। If the total cost of production of that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री में सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है, लेट हमने कर लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स प्रोड्यूस किया जा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका 2 × 3 एक आर्टिकल का कॉस्ट है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है एक्स, एक आर्टिकल का कॉस्ट है 2x + 3, पर्टिकुलर डे टोटल 90 रुपीस का प्रोडक्शन हो रहा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए रुपीस 90, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² + 3x = 90। शांति, 2x² + 3x - 90 = 0, कोई टर्म कॉमन नहीं होगा। अब 90 × 2, अगेन वही रूल लगाएंगे, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 × 2 कितना हो जाएगा, 180 का फैक्टर निकालेंगे, 90 45 15 5 5 कितने हो जाएंगे, और 2 × 2 × 3 × 3 × 5 इसके हेल्प से हमें 3 लाना है,
कैसे करेंगे? पहले तीन वाले और लास्ट के दो को। हाँ बहुत आसान है, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व और फाइव थ्री जा फिफ्टीन। इसके साथ एक्स लगा देंगे, इसके साथ भी एक्स लगा देंगे और हमें क्या करना है, प्लस थ्री एक्स लाना है। इसको लिख दीजिए टू एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स और माइनस ट्वेल्व एक्स। इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन्टी इक्वल्स टू जीरो। एक्स कॉमन लेंगे कितना बच जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे टू एक्स प्लस फिफ्टीन माइनस सिक्स कॉमन लेंगे तो टू एक्स और प्लस फिफ्टीन, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए सेम नंबर आएगा इक्वल्स टू जीरो। टू एक्स प्लस फिफ्टीन कॉमन लेंगे, टू एक्स प्लस फिफ्टीन कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। टू एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा टू एक्स इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन बाई टू, अनदर एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू सिक्स। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स है तो अगेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो निगेटिव में हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, तो क्या करेंगे, निगेटिव वाले टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी माइनस फिफ्टीन बाई टू नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, निगेटिव भी नहीं हो सकता। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, सिक्स, यानी ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना था, टू एक्स प्लस थ्री, तो टू इंटू सिक्स प्लस थ्री, ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन, ये हो गया कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ये आपका निकल गया कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। क्लियर है यहाँ तक, इसको आप लोग नोट कीजिए।